मेरिट में आए हमारे सभी छात्रों का दिल से अभिनंदन करता है। सबसे पहले सुहानी, आपसे हम प्रश्न करते हैं, स्कूल टॉपर होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मेरे सारे टीचर्स और पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? टीचर्स, पेरेंट्स। कर्म भाई, ब्रदर्स, आप दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको उम्मीद थी कि आप टॉप 10 में आएंगे? हाँ। क्या इससे बेहतर आप प्रदर्शन कर सकते थे? कहाँ आपसे कमी रह गई? रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी की बुक आपने अगर और अच्छे से पढ़ी होती तो आप इससे अच्छा रिजल्ट ला सकते थे। आगे भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? इंजीनियरिंग करना चाहेंगे। आप क्या करना चाहेंगे? डॉक्टर। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। आपके मैकेनिक बनने में भी रुचि है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप अपना मिशन चेंज करने वाले? इंजीनियरिंग करके भी आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। आगे आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे? नियमित अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन आप नियमित अभ्यास करेंगे? पढ़ाई के अलावा किन चीज़ों में आपकी रुचि है? आपको खेलकूद पसंद है? आपको ड्राइंग पसंद है? ड्राइंग पसंद नहीं है। आपको खेलकूद पसंद है? कौन है आपका पसंदीदा खेल प्लेयर? कौन है आपका? राशिद खान। आपका पसंदीदा प्लेयर? पी वी सिंधु। बैडमिंटन। आपका? माइकल फिलिप्स। स्विमिंग। फिल्म देखते हैं आप? आपकी सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है, जिस फिल्म को आप हमेशा देखना चाहते हैं? फास्ट एंड फ्यूरियस। ओके। आपकी KGF चैप्टर। आपकी फिल्मों में विशेष रुचि नहीं है। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं? या आप अपने बाकी विद्यार्थियों को ये सलाह देंगे कि न्यूज़पेपर हमें रोज़ पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है? जनरल नॉलेज। हमारा जनरल नॉलेज इम्प्रूव होता है, डे टू डे अपडेट होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भावी भविष्य के लिए पूरा स्कूल आपका अभिनंदन करता है तथा अपनी शुभेच्छा देता है। जय हिंद।